बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, हम स्टडी कर रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आज इस सिलसिले में हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम कंडीशंस फॉर प्लांट ग्रोथ को स्टडी करेंगे। तो आज हमने क्या स्टडी करना है? आज हमने कंडीशंस फॉर द प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे, और उसमें एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं, फॉर एग्जांपल उसमें टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और न्यूट्रिएंट, इनकी बात करेंगे। और इंटरनल फैक्टर जिसमें हार्मोन्स और विटामिन्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे। तो अपना लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर द प्लांट ग्रोथ। तो फर्स्ट एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं, वो क्या है? टेम्परेचर। और जब हम टेम्परेचर को देखते हैं, तो टेम्परेचर की जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है जिसके अंदर जो है ग्रोथ इन्फ्लुएंस होती है, वो 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ने से ग्रोथ बढ़ती है, लेकिन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिनिमम ग्रोथ होगी। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ग्रोथ नहीं होगी और ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, और कई बार तो एंजाइम के डीनेचर होने की वजह से प्लांट की डेथ भी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं लाइट की। सेकंड जो एक्सटर्नल फैक्टर है वो लाइट है। तो लाइट थ्री वे से इन्फ्लुएंस करता है ग्रोथ को। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो उसके नतीजे में क्या होगा, नंबर ऑफ सेल डिविजन्स बढ़ेंगी, ठीक है। और इसके बाद अगर क्वालिटी की बात करते हैं, दूसरा जो तरीका है, दूसरा जो वे है जिससे लाइट इन्फ्लुएंस करती है, वो है क्वालिटी। इसमें रेड लाइट इलोंगेशन को फेवर करती है, ब्लू लाइट क्या करती है, रिटार्ड करती है इलांगेशन को, लेकिन सेल डिवीजन को ये इन्हांस करती है, सेल डिवीजन को ये ज्यादा प्रमोट करती है। और अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है ये रिटार्ड करती है इलांगेशन को। तो इस तरह लाइट की क्वालिटी भी क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ पर असरअंदाज होती है। तीसरे नंबर पे लाइट की ड्यूरेशन है। इसमें लाइट की ड्यूरेशन को जब हम देखते हैं, तो इसमें एक टर्म होती है फोटोपीरियडिज्म, कि रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, या रिलेटिव लेंथ ऑफ द लाइट एंड डार्क पीरियड। तो फोटोपीरियडिज्म एक तो फ्लावरिंग को भी इन्फ्लुएंस करता है, इसके अलावा इसके साथ साथ इसने क्या करना है, ये जो रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट की वेरिएशन है, इसमें क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ भी इफेक्ट होती है। ये थ्री टाइप्स हैं जिनके जरिए से लाइट क्या करती है, इफेक्ट करती है प्लांट की ग्रोथ पर। इसमें इंटेंसिटी, क्वालिटी और ड्यूरेशन आते हैं। अच्छा, इसके बाद वाटर। तो नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ, पानी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और रीजन क्या है, बाय अब्सॉर्बिंग वाटर द सेल्स इलांगेट। के एक तो वाटर जो है अब्सॉर्ब करने के बाद 150 फोल्ड्स है वो सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और ये इलांगेशन के जोन में हो रहा होता है। कल हमने जो लेक्चर लिया था इलांगेशन फेज ऑफ इलांगेशन में, तो उसमें हमने ये जिक्र भी किया था कि वाटर की इनटेक से 150 टाइम सेल का साइज जो है वो इंक्रीज होता है, सेल का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो इसके लिए एक तो वाटर इसके लिए जरूरी है। दूसरे नंबर पे वाटर इज द लिमिटिंग अट्रैक्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। के वाटर क्या है, लिमिटिंग अट्रैक्टेंट भी है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो फिर आगे जो है इनमें आगे खुराक नहीं तैयार होगी, और इनमें ग्रोथ फिर कैसे होगी, ग्रोथ भी सफर करेगी। द प्लांट ग्रोथ सीजेस इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो इनसे हमें क्या पता चलता है कि अगर प्लांट को वाटर अवेलेबल नहीं, सॉइल वाटर अवेलेबल नहीं, तो इसके नतीजे में प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। फोर्थ फैक्टर है ऑक्सीजन। तो नीड फॉर सक्सेसफुल ग्रोथ, रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी। कि अगर हम इसकी जरूरत की बात करते हैं, तो सक्सेसफुल ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई जरूरी होती है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट टाइम पे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो किस वजह से होना है, वो ऑक्सीजन की वजह से ही होना है। तो इस तरह ये रेस्पिरेटरी फिनोमेना दूसरे जो असरअंदाज होंगे, मेटाबॉलिज्म पर असरअंदाज होंगे, तो इसलिए ऑक्सीजन भी नेसेसरी है। प्रॉब्लम्स ड्यू टू शॉर्टेज, विदाउट ऑक्सीजन नो मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज पॉसिबल एंड नो ग्रोथ टेक्स प्लेस। अगर मेटाबॉलिज्म ही नहीं हो रहा तो फिर ग्रोथ कैसे होगी। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि वेरी हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हाउएवर इनहिबिट्स ग्रोथ। इसके बाद आगे हमने बात करनी है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, की ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है फोटोसिंथेसिस का। कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर कैरिंग आउट नॉर्मल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या होगा भाई, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ इफेक्ट होगी। लेकिन अगर वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, तो इसके नतीजे में ग्रोथ थोड़ा बहुत सफर भी कर जाती है। सिक्स एक्सटर्नल फैक्टर जो प्लांट की ग्रोथ पर असरअंदाज होता है, वो है सॉइल मिनरल्स।
तो स्पेसिफिक मिनरल्स एलिमेंट आर आल्सो नीडेड फॉर द प्लांट ग्रोथ. फॉर एग्जांपल सोडियम है, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स और इस तरह के दूसरे एलिमेंट्स जो प्लांट्स कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं. तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल कंडीशन है फॉर द ग्रोथ. तो इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल फैक्टर्स की जो प्लांट की ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और कंडीशंस बनाते हैं प्लांट के लिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये इनमें किसी वजह से चैलेंजेस आ जाएं तो प्लांट की ग्रोथ सफ़र कर सकती है. तो इसमें जो सबसे पहला है वो न्यूट्रिएंट्स हैं. तो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई एनर्जी टू ग्रोइंग प्लांट्स, के न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स अपनी न्यूट्रिशन खुद भी तैयार करता है, लेकिन फिर भी मेटाबॉलिज्म के लिए इसको क्या चाहिए, वो जो न्यूट्रिएंट्स ने तैयार किए हैं वो भी चाहिए होते हैं. तो इंक्रीज इन न्यूट्रिशन ग्रोथ इंक्रीजेस, के अगर वो जो इनके पास न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा होगी. और अगर इस न्यूट्रिशन में डिक्रीज हो जाता है, वो जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं वो कम हो जाते हैं, काज रिटार्डेशन ऑफ द ग्रोथ, और उसके नतीजे में क्या होगा, ग्रोथ रिटार्ड होगी, रुक जाएगी, स्लो हो गई या फिर जो है ना बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगी. इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल फैक्टर है वो है हार्मोन्स. तो हार्मोन्स क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस ग्रोथ, कि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव केमिकल कंपाउंड होते हैं और इन्होंने करना क्या होता है, इन्होंने रेगुलेट करना होता है मेटाबॉलिज्म को. हम पहले ये वाला टॉपिक एक पढ़ के भी आए हैं हार्मोन्स वाले चैप्टर में प्लांट्स में, क्योंकि सारा का सारा जो कंट्रोल है प्लांट का वो हार्मोन्स के जरिए से होता है. हमने उस चैप्टर में ये भी डिस्कस किया था कि जो एनिमल्स हैं उनमें केमिकल कंट्रोल और उसके बाद जो है नर्वस कंट्रोल दोनों ही होते हैं, लेकिन प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल थ्रू हार्मोन्स होता है, कि प्लांट में जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सारी की सारी ग्रोथ हार्मोन्स के जरिए से कोऑर्डिनेटेड होती हैं. तो इसमें जो फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड ये एक ऑक्सन है, नेचुरली अक्रिंग ऑक्सन है जो काज करता है इलोंगेशन ऑफ द सेल. इसके बाद अदर ग्रोथ हार्मोन्स आर साइटोकाइनिन्स हैं, जिब्रेलिक एसिड है, ये सारे ये हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं. ये वो हार्मोन्स हैं जिनकी वजह से ग्रोथ होनी है, फ्रूट ग्रोथ होनी है, उसके बाद प्लांट के जो सेल्स में डिवीजन होनी है, प्लांट के सेल्स में इलोंगेशन होनी है, प्लांट्स ने पॉजिटिव नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म फोटोट्रॉपिज्म ये सारा हार्मोनली कंट्रोल्ड होता है. तो ये प्लांट की ग्रोथ हार्मोन्स की भी वजह से क्या करती है, सफ़र करती है. अगर हार्मोन कम होंगे तो ग्रोथ क्या होगी, कम होगी, लेकिन अगर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते जा रहे हैं तो प्लांट क्या करेगा, ग्रो करता जाएगा. इसके बाद तीसरा जो इंटरनल फैक्टर है वो विटामिन्स हैं. विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज विद इन द प्लांट बॉडीज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, के विटामिन्स प्लांट्स अपने खुद बना लेते हैं. द प्लांट्स आर ग्रोन इन डार्क, द विटामिन्स डेफिशिएंसीज आर इंड्यूस्ड इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट सीजेस, तो उसके नतीजे में क्या होगा, ग्रोथ स्टॉप भी हो सकती है, रुक भी सकती है, स्लो डाउन हो सकती है. तो ये तीन इंटरनल फैक्टर्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे प्लांट की ग्रोथ के लिए. तो ये कंडीशंस ऑफ ग्रोथ का हमारा जो टॉपिक था आज इतना ही था, इसको हम समराइज करते हैं. आज हमने स्टडी किया कंडीशंस फॉर द प्लांट ग्रोथ, और कंडीशंस फॉर द प्लांट ग्रोथ में हमने बात की थी एक्सटर्नल फैक्टर्स की, कि प्लांट की जो ग्रोथ है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे होती है, मुनासिब लाइट की वजह से होती है, वाटर की अवेलेबिलिटी की वजह से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की अगर अबंडेंट सप्लाई मौजूद है प्लांट के पास तो फिर वो क्या करेंगे, वो ग्रो करेंगे. और ये जो है एक्सटर्नल फैक्टर हैं सारे के सारे, ये प्लांट्स ने एनवायरनमेंट से लेने होते हैं. टेम्परेचर लाइट जो है ये सनलाइट डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है, वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट साइल से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये कहाँ से, एटमॉस्फेयर से लेते हैं. तो ये सारे के सारे फैक्टर्स क्या हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं. और इसमें जो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं ये वो मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं. मिनरल न्यूट्रिएंट्स में वो जो फॉर एग्जांपल आ जाता है सोडियम, पोटाशियम और ये दूसरे जो मिनरल हैं जो सॉइल से लेते हैं, और यहाँ पर न्यूट्रिएंट से मुराद सॉइल न्यूट्रिएंट की है. इसके बाद हमने जो दूसरे फैक्टर इंटरनल फैक्टर्स पढ़े उसमें प्लांट्स न्यूट्रिशन थी, प्लांट के जो अपने वो न्यूट्रिएंट एलिमेंट जो खुद प्रोड्यूस करता है. उसके बाद हार्मोन्स की बात की थी, उसके बाद हमने विटामिन्स की बात की थी. तो ये तीन फैक्टर इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो ये बेटे आज का हमारा लेक्चर था, आज हमने जो है कंडीशंस ऑफ ग्रोथ स्टडी किए. तो कल इंशाल्लाह फिर हम आगे नेक्स्ट जो है वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज़.